तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से और एक वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 के आसपास, करीब 8 बजने को आया है एंड 7:30 भी प्रॉपर भी बज नहीं रहा है। फिर से मेरा जो कॉफ़ी था फिर से वापस आ गया है, क्योंकि मैं इन दिनों से स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से सुबह के गर्म पानी के साथ नींबू मिला के खा रहा था। कॉफ़ी इन दिनों बंद ही कर दिया था मैं एक्चुअली। इतना दिनों के बाद आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली उस जिम पे वर्कआउट करने। लेट्स गो, इस बार कुछ ना हो बस। एंड फिर से कल से ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कल या परसों मैंने देखा था 20 डिग्री के आसपास एंड आज का मैं जब देखा 16 डिग्री के आसपास कुछ दिखा रहा था एंड आई थिंक ये और ज़्यादा डाउन होगा। ये वेस्ट बंगाल का वेदर टेम्परेचर है एंड आप लोग कहाँ से हो मेरे को बताओ। और एक चीज़ आप शायद नोटिस की हो कि पता नहीं पीछे बैकग्राउंड का जो इमेज आ रहा है एंड जो कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ अपने तरह से एंड ये सारे चीज़ें मैं फ़ोन पे किया हूँ एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। हर एक चीज़ में थोड़ा डिटेल्स डालने की मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में। पुराना वीडियो तो इम्पॉसिबल है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता एंड हाँ, अपकमिंग वीडियो और भी नया नया कलर में होगा। मैं अभी एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कौन सा कलर कौन से में दिख और अच्छे दिखेगा व्लॉग में एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे को भी बहुत थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा कौन सा किस में क्या कलर। मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कलर ग्रेडिंग में एंड मैं थोड़ा थोड़ा भी सीख रहा हूँ। देखो ये कंप्लीट हो गया है एंड थोड़ा देर ऐसे ही रहने देंगे, तब तक मेरा टॉपिंग्स देख लो। एंड आलू, प्याज, ये मिर्च, इसे आप लोग क्या नाम से पहचानते हो मेरे को नहीं मालूम। हर एक स्टेट का हर एक नाम से इसको पहचाना जाता है। मेरे स्टेट में इसको कुल लोगों का कहा जाता है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। 3-4 मिर्च एक साथ मिला लो ना, एक की बराबरी कर पाएगा। आप भी ऐसा हाई प्रोटीन मील आप बना सकते हो घर पे, प्लस इसमें कमी रहेगी बड़ा, इसमें साथ नींबू मिल जाता ना तबाही हो जाती। एंड अभी फ़िलहाल नींबू घर पे नहीं है, जो भी था जिससे भी था मैं बस बना दिया हूँ एंड इसको फिनिश करके ही मेरे को निकलना पड़ेगा उस जिम के तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 9:30 से 9:30 बज रहे हैं अभी एंड इसको फिनिश करते हैं जल्दी से एंड रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो प्रियो भी नहीं आ रहा है आज, उसका भी नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि थोड़ा बहुत सबकी काम है। एक सोभिकदा है, बहुत दिनों आप शायद देखे होंगे एंड वो आ रहा है क्योंकि उसके घर पूरा कम से कम 2 से 3 मिनट की दूरी पे है उसके घर एंड लेट्स गो, आज सोभिकदा से ही वर्कआउट एक साथ करेंगे। चलो कोई ना से एक होना बहुत बेहतर है एंड इसको फिनिश करने के बाद इसका रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बना दूंगा अच्छे से, जिससे कि आप लोग देख पाओ। लेट्स गो, मैं तैयार हो चुका हूँ। मैं अभी निचले वाले घर में हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं आता नहीं हूँ एंड ये मेरा रूम नहीं है, बड़े भैया का रूम है। प्लस फुल्ली रेडी निकलते हैं, सीधे जिम के बाहर मिलते हैं किसको। वाओ, नाइस स्टाइल। दूर से कोई भी पहचान लेगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ? अभी होना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो इस टाइम पे आया हूँ ना। हाँ। बोला इस टाइम तो पूरा खाली खाली रहता है। आ जाओ। Let's go। चला 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 इजी। अबे चला। Wow, nice. Let's go, अभी जिम पे आ चुका हूँ मैं एंड आज चेस्ट वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं, मैं एंड सोभिकदा। और अभी सुबह अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जब भी दो बार आया हूँ वो भी रात में एंड अभी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख लो बाहर का जो खुले मिलने में एकदम। एंड अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि ऐसा, मतलब कि लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, देख लो। अभी स्टार्ट करेंगे हम इंक्लाइन से
इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड उसके बाद फ्लैट करेंगे एंड उसके बाद मशीन प्रेस एंड उसके बाद फ्लाई एंड उसके बाद डिक्लाइन, जो जो होगा चार सेट में होगा। एंड रैप फर्स्ट रैप में 15 से 20, उसके बाद 15 एंड ऐसे करके। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। कितना टच लगा? टच नहीं लगा, दो में लगा, आखिरी के दो में टच लगा, मिनिमम 6 हुआ भाई। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। 30 पे 6 रैप लग पाया, अभी भी स्ट्रेंथ वापस नहीं आया। जब तक स्ट्रेंथ वापस आएगी तो इजीली 10 से 12 आराम से उड़ेगा।